नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश में बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। पेट्रोल डीजल से लेकर घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में हुए आसमानी उछाल ने लोगों के घरों के बजट को हिला कर रख दिया है। पेट्रोल डीजल के दामों के बढ़ने से और भी जरूरत की चीजों के रेट पर बड़ा असर पड़ा है। बढ़ती महंगाई के बीच पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा बयान दिया है। खुद पेट्रोलियम मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि पिछले 7 सालों में एलपीजी की कीमतें दोगुनी हुई हैं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि घरेलू रसोई गैस की कीमत पिछले 7 सालों में दोगुना होकर सिलेंडर का दाम 819 हो गया है, जबकि पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स पर 459% की बढ़ोतरी हुई है। लोकसभा में ईंधन की बढ़ती कीमतों के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में प्रधान ने कहा कि 1 मार्च 2014 को 14.2 किलो वाले घरेलू गैस की कीमत 410 रुपए और 5 पैसे थी। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि घरेलू सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमत पिछले कुछ महीनों के दौरान बढ़ी है। दिसंबर 2020 में इसकी कीमत 594 प्रति सिलेंडर थी और अब इसकी कीमत 819 पहुंच गई है। इस तरह पीडीएस के जरिए गरीबों को बेचा गया केरोसिन मार्च 2014 में 14.96 प्रति लीटर से बढ़कर इस महीने 35.35 हो गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी देश भर में इस वक्त सबसे ऊंची है। वैट के आधार पर दर अलग अलग होती है, जो वर्तमान में दिल्ली में 91.17 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल 81.47 रुपए प्रति लीटर है। पेट्रोल मंत्री ने टैक्स कलेक्शन की जानकारी देते हुए बताया कि पेट्रोल और डीजल पर साल 2013 में टैक्स कलेक्शन 52,537 करोड़ रुपए रहा, जो 2019-20 में बढ़कर 2,13,000 करोड़ रुपए हो गया। वहीं चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों में कलेक्शन बढ़कर 2.94 लाख करोड़ रुपए रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।